सब्सक्राइब कीजिए मैक्स इन्वेंशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इन्वेंशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं आपके मेरी चैनल मैक्स इन्वेंशन। दोस्तों, न्यूज के हिसाब से सैमसंग उसकी अगली फ्लैगशिप स्मार्टफोन गैलेक्सी S9 बहुत जल्दी लॉन्च करने जा रहा है और रूमर के हिसाब से आप गैलेक्सी S9 में एक फुल व्यू डिस्प्ले देख पाएंगे, जैसे कि 21.9 स्क्रीन टू बॉडी रेशियो के साथ, यानी आप फ्रंट में फुल 95% डिस्प्ले देख पाएंगे और इसी वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहिए, मैं इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूंगा कि ये प्रॉब्लम क्या है और कैसे ये आपको परेशान कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं मैक्स इन्वेंशन चैनल। वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं, गैलेक्सी S8 और नोट 8 पे फिंगरप्रिंट सेंसर को ठीक कैमरे के साइड में सेटअप किया गया था, पर इससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी और इसी वजह से गैलेक्सी S8 और नोट 8 पे स्कैनर को यूज करना काफी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि आप जब भी स्कैनर को यूज करना चाहते थे तो आपकी उंगली ठीक कैमरे के ऊपर आ जाता है और यहाँ पे डर रहता है कि कैमरे में स्क्रैच ना आ जाए। रूमर के हिसाब से आप गैलेक्सी S9 में एक ह्यूज डिस्प्ले देख पाएंगे और इसी के तहत सैमसंग फिर से स्कैनर को ठीक कैमरे के नीचे सेटअप करने जा रहा है। यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम यह है कि सैमसंग के स्कैनर की साइज बहुत ही छोटी होती है और यहाँ पे उंगली ठीक से फिट नहीं होती है और कैमरा और स्कैनर के बीच में ज्यादा जगह नहीं होती है और इसी की वजह से आपकी उंगली बार बार कैमरे के ऊपर चले जाने के चांसेस रहती है और आपकी कैमरे में स्क्रैच आने की चांसेस बहुत ही बढ़ जाती है। दोस्तों, पता नहीं क्यों सैमसंग ये गलती फिर से दोहराने जा रही है और इसी की वजह से गैलेक्सी S9 की मार्केटिंग पे बहुत बड़ी इफेक्ट डाल सकती है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बोलिए कि आप इसके बारे में क्या राय देना चाहते हैं या फिर आप मेरे बातों से सहमत है या फिर नहीं। और दोस्तों, आप यही बोलिए कि आप स्कैनर को कहाँ पे देखना चाहते हैं ताकि आप इसे बहुत ही आसानी से यूज कर सके। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि कमेंट जरूर करेंगे। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, इसे आप शेयर कीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे। और जो आप अगर मेरे चैनल पहली बार इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन देखो उसे प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो लाऊंगा आप उस वीडियो को मिस ना करें, उसके नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। दोस्तों, ये वीडियो देने बहुत धन्यवाद। आपने स्वस्थ रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद दोस्तों।